हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ रितु शर्मा और आप सभी का स्वागत है B2M UPSC चैनल पे। एक बार ये बता दीजिए आपका वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, ताकि हम स्टार्ट कर लें अपना लेक्चर। ओके, मैं एक बार कमेंट का आप सभी का वेट कर रही हूँ। कोई भी भाई स्टूडेंट बता दें। PIV एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे I know, आज आपका थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। सो मैम अपार्ट ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो अपने डिवाइसेस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब फॉर योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों ही आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस, कोर्सेज, टेस्ट, क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो दिया जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, एंड यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस तो आपको दी ही जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं। अनअकैडमी हैज़ ऑल्सो कम अप विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको पर्सनल गाइड का जो इशू है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सो गो टू दैट, यूज माय कूपन कोड RITUYT एंड आप कोई भी प्रॉब्लम है आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आप इस कूपन कोड के सहारे मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं भी आपको गाइड कर सकती हूँ थ्रू आउट, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे Ritu Sharma 1006, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है। PDF क्वेश्चन सब यहीं पे अपलोड होगा। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो वैसे आप लोग रेडी ही होंगे, ठीक है। आई नो आज आपका क्लास लेट हो गया, दो दिन से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट एनीवेज कल से हम पूरा सही 12:30 पे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर। तो कल से आप लोग भी टाइम पे रहना, मैं भी, वरना फिर पता है क्या होता है, आपका भी वेट करना पड़ता है मुझे कि आप लोग कनेक्ट नहीं होते, आप लोग फिर लिंक शेयर करते हो लाइक दैट। सो एक बार ये रिक्वेस्ट है, आप सभी से लिंक शेयर कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, अगर आप लोग रेडी हैं। तो आज के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उनको हम देखेंगे। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, श्री रमेश पोखरियाल, राइट, लॉन्चेस इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी ये इम्पॉर्टेंट है फॉर योर आई विल से मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। आपसे जब पूछा जाएगा ना डिजिटल एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप बताओगे कि क्या क्या सरकार ने मेजर्स लिए हैं, राइट। तो आप यहाँ पे जब बताएंगे कि क्या क्या मेजर्स लिए गए, तो आपको पहले पता तो होना ही चाहिए ना कि क्या क्या डिफरेंट मेजर्स लिए हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑल द सेंट्रल मेजर्स आर गिवन एंड प्लस आपके स्टेट मेजर्स भी गिवन है। तो जितना भी आपका PIV पे कंटेंट है, ठीक है, वो सारा ही आपको पढ़ना है, अलग से रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे आप अगर स्टेट का एग्जाम भी देते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका प्रीलिम्स से वहाँ पे क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, एनी एवरीथिंग रिगार्डिंग टू दैट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप लोग सभी रेडी हैं तो, ठीक है, ये समझ में आ गया। इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन June 2020, ये आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर इंजॉयिंग एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट होम, रिड्यूसिंग लर्निंग गैप्स। तो ये रिपोर्ट बेसिकली आपकी पास की गई है, जो आपको बताया कि क्या क्या डेवलपमेंट्स आपकी की गई है इंडिया के अंदर रिगार्डिंग टू द डिजिटल एजुकेशन। तो यहाँ पे ये देखो, इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री का आपको पता ही चल गया, HRD आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट का नाम है इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020, ठीक है। सो PIV पे आप जाएंगे तो आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, अगर आपको रिपोर्ट ही पढ़नी है पूरी, तो अदरवाइज यहाँ पे की पॉइंट्स आपके मेंशन है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने आपकी जो ये श्री रमेश पोखरियाल निशांक टुडे वर्चुअली लॉन्च्ड आपका इंडियन रिपोर्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन, राइट। सो इस रिपोर्ट के अंदर इलैबोरेट्स ऑन द इनोवेटिव मेथड्स अडॉप्टेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ने क्या क्या आपके मेजर्स लिए हैं, राइट, एंड इन यहाँ पे फॉर इंश्योरिंग
एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट होम एंड रिड्यूसिंग लर्निंग गैप। तो यहाँ पे जैसे आपको लगता है ना कि रूरल एरियाज तक यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट, देर हैज़ बीन नो मेजर्स टेकन, तो ये रिपोर्ट थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देगी कि क्या क्या मेजर्स आपके डिफरेंट यूनियन टेरिटरी स्टेट्स ने आपके मेजर्स लिए हैं इन ऑर्डर टू कि आपका रूरल इंडिया को भी फायदा हो सके राइट इन दिस पैंडमिक सिचुएशन। ही ऑल्सो अर्ज टू ऑल टू रीड दिस रिपोर्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट्स में आपको मेंशन करती जाऊंगी किस पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। पहला तो मिनिस्ट्री हो गया, लॉन्च किस लिए लॉन्च किया है आपको पता चल गया राइट। स्कूल एजुकेशन जो है इज इन्विसेज एज अ कॉम्प्रीहेंसिव एंड कन्वर्जर प्रोग्राम कमिटेड टू यूनिवर्सलाइज डिजिटल एजुकेशन अक्रॉस द वाइड स्पेक्ट्रम। एनीवेज यहाँ पे क्या क्या, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ इनिशिएटेड, तो पहला पॉइंट यहाँ से आता है कि आपकी मिनिस्ट्री ने क्या यहाँ पे डेवलपमेंट की है। ठीक है, सो मेनी प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्कॉलर स्टूडेंट सभी को आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन आपका MOOC, ठीक है, कोर्सेज मैंने आपको ये भी पढ़ा चुकी हूँ, ऑन एयर शिक्षा वाणी, डेजी बाय प्लेटफॉर्म राइट, ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगेन मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये एक रिपोर्ट है कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ योर दीक्षा प्लेटफॉर्म, आपका ये MOOC क्या है राइट, तो उनको जाके जब आप रिवाइज करोगे ज़रूर सर्च कर लेना, ठीक है, उस पर सवाल आपके प्रीलिम्स पे बनेंगे ज़रूर, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली आपको जो है मेंस में काम आएगा क्योंकि कोई आपसे पूछेगा नहीं कि दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप नोट लिखो या आपका क्वेश्चन आएगा। अगेन आपसे पूछा ये जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट डेवलपमेंट्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिजिटल एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया राइट इन ड्यूरिंग द पैंडमिक सिचुएशन। तो आपको ये बताना होगा जैसे मिनिस्ट्री ने आपके ये डेवलपमेंट्स किए हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ई लर्निंग पोर्टल्स आपके बनाए गए हैं, वेबनार, चैट ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स अलॉन्ग विद स्टेट यूटीज गवर्नमेंट। बिसाइड दैट द सेंट्रल इनिशिएटिव स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो मैनेज द क्रिटिकल टास्क ऑफ प्रोवाइडेड डिजिटल एजुकेशन एट द डोर स्टेप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि बहुत सारे मेजर मीडियम टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स वर आपके बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया है क्लासेस लेने के लिए, आपके यूट्यूब चैनल का, गूगल मीट राइट, तो ये सारे आप इनिशिएटिव्स लिखोगे, ठीक है, कि क्या क्या यूज़ किया गया है, स्काइप हो गया, ई लर्निंग पोर्टल, टीवी का इस्तेमाल किया गया है, रेडियो का इस्तेमाल किया गया है, यूज़ ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, स्टक हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मेरे यहाँ से स्टक नहीं है, एक बार ही बता दीजिए अगर वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है तो। क्लियर है या फिर प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज आई कैन नॉट सी दैट प्रॉब्लम है कोई। मोहित आर्या सर, स्वयं, स्वयं प्रभा, बिल्कुल दोनों ही, कोई दिक्कत है क्या आपकी ऑडियो में, ऑडियो वीडियो में? नो मैम, ओके, सो मोहित आर्या आपके शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, उसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या एक बार चेक कर लीजिए। फिर आते हैं सम ऑफ द मेजर डिजिटल, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम बात कर चुके हैं आपके सेंट्रल इनिशिएटिव्स के बारे में, ठीक है, अब बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के, जैसे कि आपका स्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, राजस्थान ने आपका ये लॉन्च किया है, ठीक है, तो जो भी राजस्थान वाले आपके एग्जाम दे रहे हैं उन तो स्पेशल फोकस करें। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट होम क्लासेस, ये कॉम्प्रिहेंसिव आपकी डिटेल्स हैं। अगेन जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे पर्टिकुलर व्हाट इज़ योर दीक्षा, स्माइल, एवरीथिंग यू हैव टू मेक अ शॉर्ट शॉर्ट नोट बना के रख लो, या फिर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अदरवाइज जब आप रिवाइज करने बैठेंगे इफ़ यू हैव नो नॉलेज, क्योंकि हम ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, जैसे जितनी भी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं हम उसमें पढ़ते ही रहते हैं, जैसे आज हमने द हिंदू में पढ़ा था तेलंगाना ने आपकी ऐप लॉन्च करी है, ठीक है, ताकि जो होम क्वारंटीन के अंदर लोग हैं उनको आपका असिस्टेंस मिल सके टेली मेडिसिन का।
प्राइवेट डॉक्टर से, तो आपकी वो हिम्मत आपकी लॉन्च की गई है, हिटमैन आपकी लॉन्च की गई है, राइट? यही नाम है, राइट? तो इसी तरह से डेवलपमेंट हम पढ़ते रहते हैं. आप या तो रेगुलर आप रहो, या फिर इफ़ यू हैव नो नॉलेज देन ट्राई टू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट होम क्लासेस, पढ़ाई तुम्हार द्वार, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, छत्तीसगढ़, उनायन इनिशिएटिव इन बिहार, तो ये सारे आप देखोगे. डिफरेंट डिफरेंट मिशन बुनियाद आपका लिया है दिल्ली ने, केरलाज ओन एजुकेशनल टी वी चैनल है, ऐसे आपका हाई टेक स्कूल प्रोग्राम, ई स्कॉलर पोर्टल एज वेल एज फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फॉर टीचर्स इन मेघालय, तेलंगाना हैज ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग COVID-19. तो ये सारे क्या हैं, आपके स्टेट इनिशिएटिव्स हैं, तो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ऐसे मत करना कि मैम सेंट्रल के ही पढ़ने हैं क्या. नो, यू हैव टू, आप जब बताओगे व्हाट आर द डेवलपमेंट्स, ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो आप बताओगे सेंट्रल ने ये लिया है, स्टेट ने ये लिया है. एंड बेशक आपको पूरी नॉलेज ना हो, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी ही चाहिए. हाँ, यस, आपका हिटाम आपका नाम था, राइट? सो बिल्कुल सही है. तो ये आपका, इसी तरह से मैं आपको कह रही हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम बहुत सारे किए गए हैं आपके COVID-19 से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, तो उनके बारे में ये दोनों मेजर सोर्सेज हैं, मतलब दोनों मेजर सेक्टर हैं जिनके बारे में आपको पता करना ही होगा. अगर आप स्टेट के एग्जाम देने वाले हो तो क्या क्या डेवलपमेंट्स करी हैं पूरे इस लॉकडाउन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, एग्रीकल्चर, माइग्रेंट, हर सेक्टर में अपना स्टेट का पूरा पढ़ के जाना. आगे बढ़ते हैं. सम स्टेट्स हैव लॉन्च इनोवेटिव मोबाइल ऐप्स ऑल्सो, जैसे पोर्टल्स और ऐप लॉन्च करी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उसने लॉन्च किया है टॉप पेरेंट ऐप, अ फ्री मोबाइल ऐप दैट एम्पावर्स पेरेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन विद नॉलेज एंड स्ट्रैटेजीज अराउंड चाइल्ड डेवलपमेंट to help them meaningfully engage with their children. तो ये नाम जो है बहुत important है, हो सकता है आपका prelims पे एक सवाल फंस जाए, ठीक है, एक तो आ ही सकता है. फिर आते हैं खेल प्रोग्राम, नॉलेज हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अ गेम बेस्ड एप्लीकेशन हैज ऑल्सो स्टार्टेड दैट कवर्स क्लासेस 1 to 3, राइट? सो नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड इज मेकिंग यूज ऑफ संपर्क बैठक ऐप, ये आपकी ऐप है थ्रू विच प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स कैन एक्सेस एनिमेटेड वीडियोज, ऑडियोज, वर्कशीट, पजल. ऐसे ही असम ने आपका लॉन्च किया है बिस्वा विद्या असम मोबाइल एप्लीकेशन 6 to 10 क्लास के लिए. बिहार ऑल्सो लॉन्च आपका विद्या वाहिनी ऐप विद ई बुक्स आपकी प्रोवाइड की जाएंगी अंडर योर उनायन बिहार इनिशिएटिव. बिहार इज ऑल्सो लॉन्च मेरा मोबाइल, मेरा विद्यालय फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है. सो इसी तरह से चंडीगढ़ जो है उसने आपका ये फीनिक्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके ऐप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का पूरा डेटा गिवन है. ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो पंजाब ने लॉन्च किया है, ऐसे ही आप बढ़ोगे सिक्किम ने लॉन्च किया है, त्रिपुरा हैज़ लॉन्च टाइटल एम्पावर यू शिक्षा दर्पण इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स अप्रेजल. तो क्या करो ना, रिपोर्ट तो है ही, आज क्या करना, आप घर मतलब जब भी आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे, जैसे भी आप जहाँ पे भी नोट्स बनाते हैं, इंडियन रिपोर्ट्स ऑन डिजिटल इंडिया 2020 वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से नोट्स बना लो इसका. देन की पॉइंट्स मेंशन, आपका मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ले है, देन आप जब स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लोगे, ठीक है, आपका क्या कौन सी ऐप और पोर्टल्स यहाँ पे लॉन्च करे हैं, यहाँ पे आपके कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, तो एवरीथिंग एक की पॉइंट्स बना लेना. क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स की आप या तो इसको रख लो, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से की पॉइंट्स बना लो. तो मैं ये कहूँगी इसको ज़रूर, क्योंकि रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही बहुत सारे आपके मेजर्स लिए गए हैं. स्टेट आर ऑल्सो पायनियरिंग व्हाट्सएप एज अ मीडियम फॉर एजुकेशन. अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मीडियम रहा है टू कम्युनिकेट, देर हैव बीन मेनी मीडियम्स, ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा, डीडी नेशनल, व्हाट्सएप, जूम ऐप आपका यहाँ पे रही है, ठीक है, आपका गूगल मीट हो गया, तो सबके बारे में आप बताएंगे. ओडिशा शिक्षा संजोग अ व्हाट्सएप बेस्ड डिजिटल, अगर व्हाट्सएप के बारे में पूछा जाए तो ओडिशा ने आपका ये एक ओडिशा शिक्षा संघ अ व्हाट्सएप बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन ओडिशा दैट शेयर्स ई कंटेंट विद क्लास ग्रुप्स इन अ स्ट्रीमलाइन वे.
Education through WhatsApp is also being dispensed in Punjab, Puducherry. Rajasthan is using WhatsApp innovatively for आपका हवा महल जॉयफुल सैटरडे प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट्स विल लिसन टू स्टोरीज प्ले द गेम्स इसी तरह से. तो एक क्वेश्चन तो सीधा आपका यहाँ पे आ सकता है ना कि क्या क्या डेवलपमेंट्स की गई हैं. आप एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कैसे केवल मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को डाइवर्स रखा गया है कि मतलब केवल इसी को ही नहीं फोकस किया गया कि आपका पढ़ाई 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 बट जैसे बहुत सारे आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि आपका माइंड भी साउंड रहे आपका प्ले गेम्स एंड ऑल राइट आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे. तो उससे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनको भी एक स्टार करके ठीक है इस तरह से मार्क कर लेना. जैसे कि ये हो गया आपका राजस्थान का इनिशिएटिव कि भाई खेल प्रोग्राम हमने पीछे देखा था राइट सो दैट स्टूडेंट ऑल्सो कैन इंटरैक्ट इंटू डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ऐसे ही हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च 3 व्हाट्सएप कैंपेन्स आपका कोरोना थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई और जॉयफुल लर्निंग ठीक है हर घर पाठशाला. तो ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट कैसे एक एजुकेशन ही नहीं तो ये पूरा पॉइंट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन के अलावा भी आपका कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ को आपका कंबाइन किया गया है ठीक है. सो हम किसी से कम नहीं मेरे घर मेरी पाठशाला एवरीथिंग इसको ध्यान रखना ठीक है. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम टू ग्रैपल विद द चैलेंजेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिमोट लर्निंग. NIOS एंड स्वयं प्रभा कंटेंट्स आर डिसिमिनेटेड. अब रिमोट लर्निंग की हम यहाँ पे बात करेंगे ठीक है कि जहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच टू द प्लेसेस. तो यहाँ पे NIOS प्लेटफॉर्म हो गया आपका स्वयं प्रभा हो गया उसने इनिशिएटिव लिया है टू डिसिमिनेट द नॉलेज और ऐसे चिल्ड्रंस पे फोकस किया जाएगा जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही कम है राइट हैव लिमिटेड एक्सेस टू रेडियो एंड टीवी हु आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड हैव very limited access to radio and TV. So the initiative from states to make available the content through innovative mediums are ensuring inclusions. For instance, अब यहाँ से आपके measures शुरू होते हैं. Andhra Pradesh has started toll-free call centers and toll-free video call centers for students for understanding critical topics and clearing their doubts. Very very important. ठीक है इसको ध्यान से जहाँ पे आपसे पूछा जाए then कि किस तरह के आपके मेजर्स लिए गए हैं रूरल इंडिया के अंदर या जो रिमोट एरियाज हैं राइट उनके अंदर. तो आप पहले तो जैसे ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस दैट रिमोट एरियाज और रूरल इंडिया विल फेस इन दिस पैंडमिक सिचुएशन एज वी हैव टू फोकस मोर ऑन द डिजिटल एजुकेशन. मतलब हम डिजिटल इंडिया पे क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की ओर मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स भी हैं. आपके ऐसे एरिया जहाँ पे इंटरनेट टीवी रेडियो फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप पहले चैलेंजेस बताओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना उसके बाद आप बताओगे स्टेप्स टेकन बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट्स राइट एंड देन वे फॉरवर्ड लाइक दैट. सो ये स्टेप्स टेकन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारा डेटा है ऑथेंटिक डेटा है इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन पे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा मतलब गारंटिडली आएगा ही आएगा प्रीलिम्स मेंस दोनों में. सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट. सो ड्यू टू फॉर स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल टॉपिक समझ में आ गया ना आपको कि टोल फ्री आपका कॉल सेंटर है आप कॉल करिए टोल फ्री नंबर पे टोल फ्री है तो बिल्कुल राइट. ड्यू टू पुअर मोबाइल कनेक्टिविटी एंड अनएबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस छत्तीसगढ़ हैज स्टार्टेड आपका मोटर स्कूल. The state has also started a toll-free number और यहाँ पे virtual field support, right? So घर जाके भी जो है आपका यहाँ पे facility, education facility provide किया जाएगा. झारखंड has started आपका roving teacher where many teachers keep moving to teach children, ठीक है? So मतलब जहाँ तक education नहीं पहुँच सकती तो वहाँ पे उनके घर में चल के पहुँचाया जाएगा ये इसका पर्पज़ है. गुजरात स्टार्टेड अ रीडिंग कैंपेन फॉर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आपका वंचन अभियान एंड परिवार नो मालो आपका सलामत एन हमालो ठीक है
मतलब शायद गुजराती में लिखा है, फैमिली इज नेस्ट सेफ एंड वॉर्म, राइट। सोशियो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन आपका यहाँ पे दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड एन एक्सक्लूसिव एंड डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कॉल एंड क्लैरिफाई डाउट्स। तो मेजर आपके इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, ये आपका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स इन राइट, इनसे आपका मेजर इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए हैं। तो उसके बाद टू इंजॉय इंक्लूसिव लर्निंग इन रिमोट एरियाज विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पुअर एंड स्प्रोडैक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जहाँ पे भाई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स पहुँचाई जा रही हैं। सम ऑफ द स्टेट दैट हैव टेकन इनिशिएटिव टू रीच स्टूडेंट्स आर ओडिशा, मध्य प्रदेश अंडर योर दक्षता उन्नयन प्रोग्राम, ये आपकी जो है स्टूडेंट्स तक पहुँच रहे हैं डिफरेंट, ताकि ई अगर जहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं आपका कंटेंट तो उन तक ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, ई कंटेंट पहुँचाया जाए। नागालैंड हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी मटीरियल थ्रू DVD, पेन ड्राइव, तो ये सब आपके इनिशिएटिव्स किए गए हैं, ठीक है। सो डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव आर ऑल्सो इनेबलिंग एनहांस सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे गोवा ने क्या किया, हैज पार्टनर्ड विद एम्बाई, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम इन स्टेट। तो इसके साथ कोलैबोरेशन किया है आपका गोवा ने, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनकी भी मदद हो सके। कर्नाटका हैज़ लॉन्च आपका परीक्षा वाणी, एन एग्जाम प्रिपरेशन प्रोग्राम थ्रू दूरदर्शन। इसी तरह से आगे डिफरेंट आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट लॉन्च किए गए हैं। एड्रेसिंग डाइवर्स नीड्स बाय स्टेट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलॉन्ग विद कमांड ओवर लैंग्वेज इज ऑल्सो फोकस्ड बाय दिल्ली फॉर हायर क्लासेज एमिड द लॉकडाउन। तो देखो ये सारे आपके इनिशिएटिव हैं। अब मेरे को बताओ कि कोई प्रॉब्लम, अब ये सारे सेक्टर्स हैं देखो हमने जो पढ़ा है इसके अंदर आपके सेंट्रल, ठीक है, आपके यहाँ पे स्टेट स्टेट और आपके यूनियन टेरिटरीज के इनिशिएटिव, उसके बाद हमने आपका पढ़ा है यहाँ पे जितने भी रिमोट एरियाज में आपकी किस तरह की डेवलपमेंट की गई है जो सबसे आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हमने पढ़ा है एक कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया गया है, उनको भी सपोर्ट किया गया है, और यहाँ पे आपका लास्ट हमने पढ़ा है कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिन्स जो आपके दे रहे हैं उनको किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो कर आप इसकी खुद से ये पूरा डेटा आपके पास है, PDF में आपको दे दूंगी, ठीक है, आप चाहें तो इससे कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सीधा इंडियन रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन आप रिपोर्ट में से खुद असेस कर सकते हैं, इसी में से कर लेंगे, बहुत इनफ है मेंस के लिए, बहुत और आपके प्रीलिम्स के लिए अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो सारा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या छोड़ोगे इसमें से, मतलब छोड़ना इज लाइक इसमें से तो बेवकूफ़ी है कि अगर आप छोड़ते हो तो, मतलब मान लो कहीं से भी आ जाता है आपका, क्यों पूरा पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ लेते हैं, है ना, कि कहीं से भी क्वेश्चन फंस जाए और गलती से मतलब रह गया तो क्या आपका मतलब लॉस ही होगा ना, तो ऐसा मत करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं फोकस कर रही हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देर हैज़ बीन मैनी मेजर्स टेकन बाई डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल एजुकेशन, ये कवर करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जाने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेशनली क्या मेजर्स लिए गए हैं, बट हाँ ये ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, एंड इट इज़ अ वेरी गुड मूव ऑल्सो कि एक हमारे पास रिपोर्ट आ गई तो हमें हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड रिपोर्ट है जिसपे हम फोकस कर सकते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। सो इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली कि आ गई है, क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं एक नई डेवलपमेंट हो रही है कि कैसे उसको याद करें, कैसे लिखें, राइट। तो दिस इज़ वेरी गुड, डू दैट एंड अलग से अपना नोट्स बना लेना जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, राइट, उसने अवार्ड्स यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट अवार्ड्स के यहाँ पे फॉर एक्सेलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस अनाउंस, तो देखते हैं, राइट। सो इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड द नेशन विद बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज फॉर वेदर, क्लाइमेट, ओशन, कोस्टल, नेचुरल हैज़र्ड्स। सो यहाँ पे आपके अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। और MOES जो है,
aims to provide due recognition platform to major scientific contribution made by eminence. जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर, जैसे आपका ओशियन से रिलेटेड या आपका एटमोसफेयर, जियो साइंस, इन सब से रिलेटेड जो भी आपकी डेवलपमेंट की है, उनको एनकरेज करने के लिए यंग रिसर्चर्स को आपका ये अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया जाता है. ठीक है. सो इन द व्यू ऑफ अवर मिनिस्ट्री हैज इंस्टीट्यूट द लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड, नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एटमोसफेरिक, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओशियन साइंस, जियो साइंस, टेक्नोलॉजी, तो इन सब में आपका अवार्ड दिया जाएगा. ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी कैटेगरीज मेंशन है. तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बार ये लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जो है इसको याद कर लेना ढंग से. ठीक है. सो वो किसको दिया गया इस बार? प्रोफेसर जो है अशोक सहानी, कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी. ठीक है. वर्टिब्रेट आपका पेलियंटोलॉजी एंड आपका बायोस्टैटिग्राफी. ही ऑब्टेन्ड हिज मास्टर इन साइंस ऑनर्स इन जियोलॉजी फ्रॉम, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट किसको दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी आपका पूछा जाएगा. ठीक है. कौन सी मिनिस्ट्री आपका ये अवार्ड देती है, कैटेगरीज पे फोकस करना. ठीक है. और नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बाद आपका ओशियन साइंस एंड टेक में, और फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ऐसे ही जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. ये सारे नाम मेंशन है किस किस को मिले हैं ओशियन टेक्नोलॉजी में. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हो गया है CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. गोवा विल रिसीव आपका अनामानी अवार्ड फॉर व्यूमन साइंटिस्ट. She has made significant contribution in the field of aquatic microbial ecology. ऐसे ही young researcher awards हैं. तो क्या क्या categories हैं उन पर focus करना है, कौन सी ministry है, और सबसे important life excellence award जो है उस पर focus करना है. चलिए, ये simple, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, but हाँ आपको prelims के लिए याद करना ही होगा. Finance minister आते हैं, आपकी जो है निर्मला सीतारमन, attends the 5th annual meeting of Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank. So AIIB क्या है? AIIB एक बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका इन्वेस्ट करता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है. ठीक है. सो अभी आपकी बहुत सारी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन किया है आपका इंडिया इंडिया के अंदर रिगार्डिंग टू द COVID-19 ऑल्सो एंड रिगार्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो एनीवेज, ये आपकी जो मीटिंग की गई है आपकी, उसके बारे में बात करते हैं. पहले AIIB के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. है क्या ये? नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे ही ये बैंक है. ठीक है. सो दे इट विल बेसिकली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक विद अ मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड. हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग में है, 2016 में आपका चालू हुआ था. बाई इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका इन्वेस्ट किया जाएगा. इट एम्स टू कनेक्ट पीपल, सर्विस एंड मार्केट्स दैट ओवर टाइम विल इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ बिलियन एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर. सो टू इट विल इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर. ये इसका मेजर एम है बस. मेंबरशिप जो है ओपन टू ऑल द मेंबर्स, जितने भी आपके वर्ल्ड बैंक्स हैं उन सभी के लिए ओपन है, और द एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस COVID-19. हमारे जो सपोर्टर्स फॉर द लोन, फॉर द हेल्प, ADB, AIIB और वर्ल्ड बैंक, ये तीन मेजर सपोर्टर हमारे यहाँ पे रहे हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रीजनल मेंबर्स आर दोज लोकेटेड विद इन एरियाज आर क्लासिफाइड. ये सारे मेंबर्स हैं मेंबरशिप. सो कौन से हैं उस पर आप देख सकते हो. चाइना जो है लार्जेस्ट शेयर इसमें होल्ड करता है. यस, चाइना वोटिंग, चाइना के पास आपके हाईएस्ट वोटिंग राइट्स हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपका नेक्स्ट इसी पे आखिर टॉपिक क्या है आपका? तो मीटिंग हुई है आपकी, राइट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की. सिंपल. तो यहाँ पे मीटिंग के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो देख लेते हैं. Anyways, every year at the annual meeting, the Board of Governors meet to take key decisions that impact the bank's future. Discussion at the meeting broadly, virtual aapki meeting hui thi hai, theek hai, broadly covered official business including election of the president of AIIB and a roundtable discussion on the theme AIIB 2030 supporting Asia's development over the next decade. तो बेसिकली ये इसकी थीम है. ठीक है. और इसी से रिलेटेड आपकी जो ये है 5th एनुअल मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें कुछ ऐसा तो बात नहीं की गई है, फोकस किया गया है COVID-19 से रिलेटेड, राइट. जो आपका कोविड प्राइम मिनिस्टर ने आपको याद हो इनिशिएटिव लिया था COVID-19 इमरजेंसी फंड को
राइट फंड के बारे में. सो उसी पे बेसिकली बात की गई है कि उसके इनिशिएटिव जो है टू इन्वेस्ट अराउंड $10 billion अंडर दिस फंड फॉर सार्क नेशंस एंड इंडियाज एफर्ट इन सप्लाइंग क्रिटिकल मेडिकल हेल्थ किट्स टू टैकल द COVID-19 एंड नाउ सपोर्टिंग ग्लोबल एफर्ट्स ऑफ COVID-19 वैक्सीन ट्रायल्स. सो किस तरह से आपकी इंडिया ने डेवलपमेंट की है राइट वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इतना इन्वेस्ट किया है राइट आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज में आपका यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया है राइट कितना डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो ये आपके मेंशन किया गया है दैट इज इट. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी. आपको बस ये देखना है AIIB क्या है, AIIB किस तरह से हमारी मदद करता है. एक बैंक है सिंपल ठीक है और उसने रिसेंटली क्या क्या हमारे कोलैबोरेशन रहे हैं AIIB के साथ क्या क्या किस सेक्टर में आपका इन्वेस्ट किया है दैट इज इट. सो वेरियस ऑर्गन्स आपके यहाँ पे मेंशन है AIIB के, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. स्पेशल क्लासेस जो हैं आपके जाके देखोगे आप अगर स्पेशल क्लासेस में जाके देखोगे अनअकैडमी के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लासेस हैं उसके अंदर आपको 4-5 क्लासेस हैं वो पढ़ लेना ठीक है. मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ पर पढ़ लेना जब भी आपको समय मिले. उसके अंदर आपको AIIB के बारे में भी सब कुछ मिल जाएगा, उसकी फंक्शनिंग कैसे स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या ऑर्गन्स है, मेंबरशिप, वोटिंग राइट्स, एवरीथिंग और रिलेशनशिप विद इंडिया ऑल्सो यू विल गेट टू नो. आई डोंट थिंक इंडिया आपका पुल आउट करेगा अभी क्या AIIB से. देर इज नो वे दैट इंडिया विल पुल आउट ऑफ AIIB राइट नाउ एंड क्योंकि we heavily depend upon the investment also and we need the support. abhi kahan se fir hum support aapka gather kar payenge abhi ke situation mein to abhi quit nahi kar sakta matlab let's see agar aage thoda track pe ho jaye maybe. एनीवेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल क्या है, ये इसका पूरा ऑर्गन है, इसको पूरी तरह से पढ़ लेना. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है GS Paper 2 का ठीक है. तो आपको ना कैसे पढ़नी होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सारी जिसमें ऑब्वियसली इंडिया आपका मेंबर है वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे. पहले उसके बारे में जानोगे, उसके फंक्शंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेंबरशिप, कोई भी आपके उसकी बॉडी के बारे में जानोगे. देन आप उसका रिलेशनशिप इंडिया के साथ क्या है, मतलब मान लीजिए आपका कोई मतलब जैसे सार्क को ही ले लो, तो सार्क के साथ कौन सी मीटिंग हमारी हुई, कौन सा हमने होस्ट किया, क्या क्या डेवलपमेंट है, इंडिया ने कैसे कंट्रीब्यूट किया. अब जैसे AIIB ले लो तो AIIB और इंडिया के बीच में क्या डेवलपमेंट्स रही हैं और रिसेंटली जो आपकी रही होंगी ना कम से कम 2 साल के बीच में उनको फोकस जरूर करना. कि मान लीजिए AIIB ने अभी रिसेंटली आपका इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो कितना इन्वेस्ट किया है ऑनलाइन दैट ठीक है. तो जब भी आप करेंगे तैयारी इस तरह से आप पूरा मतलब मेरा पर्पस है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं सिलेबस को ध्यान में रख के, करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के ठीक है, वो लिंकेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक आप सिलेबस को ध्यान में रखेंगे नहीं और आपका करंट अफेयर से लिंक नहीं करेंगे कोई पर्पस नहीं है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पढ़ने का. तो ठीक है आपने सोच लिया कि चलो कोई बुक ऐसी नहीं है कि आप एक बुक यूज़ कर सकते हो क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स. इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है आपको करंट से ही कवर करना है एंड वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पे कि आप कैसे पढ़ते हैं. आत्मनिर्भर भारत क्या, अनुराग आपका क्या क्वेश्चन व्हाट, चलिए आप मुझे डाउट बताइए आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो मैं देखो आपको बताती तो रहती हूँ कि आप इस तरह से अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट क्योंकि बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स पूछते हैं. बट आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे राइट आप उसको मोल्ड करके अप्लाई करें बस ठीक है. उसको आपको करना ही करना है इम्प्लाय किसी भी वे में आपको करना है बट डू इट योर वे. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरिंग ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक विल बी रिसीविंग ये क्या आ गया आपका, अच्छा ये तो आपका कल का ओके. एनीवेज नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं. आपका कल का आर्टिकल था उसके अंदर आपका नेक्स्ट जो है एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है आपका ए
JOMU, ठीक है, इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर समीर केपाल एंड हिज ग्रुप एट एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के अंदर, एंड ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो होस्टिंग आपका टेक्निकल रिसर्च सेंटर फंडेड बाय DST. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो AJOMU है क्या, राइट? तो केयरफुल स्क्रीनिंग की जाएगी ऑफ आपका ये बिलीरुबिन लेवल इन न्यूबॉर्न्स इन इज मैंडेटरी एज पर अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2004 कि जो आपके न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो बिलीरुबिन लेवल है वो आपका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका रिड्यूस हो सके किसी भी प्रकार के ब्रेन डैमेज के इंसिडेंट्स होते हैं तो. दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ बिलीरुबिन इन अ बेबीज ब्लड. तो ऑल्दो इन्वेसिव कैपिलरी कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड द सब्सिक्वेंट बायोकेमिकल टेस्ट इज कंसिडर्ड अ गोल्ड स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्डली आपका जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसी से आपका जो ये लेवल है पता लगाया जाता है, ठीक है. सो आपका जो ये डिवाइस है AJOMU उसके बारे में देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय, मैंने आपको बताया ना इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, SN Bose नेशनल सेंटर, ठीक है. आपका ये डिवाइस है AJOMU इज रिलायबल इन मेजरिंग. क्या करेगा ये, आपका जो बिलीरुबिन लेवल्स है, ठीक है, उसको मेजर करने में हेल्प करेगा जो भी आपके न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर. द डिवाइस इज फाउंड टू डिलीवर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रिपोर्ट ऑल्सो. ये फास्ट ट्रैक आपकी रिपोर्ट देगी अबाउट 10 सेकेंड टू कंसर्न डॉक्टर हु इज सिटिंग आपका इवन 10,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ केयर. दिस इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कंपेयर टू कन्वेंशनल जो आपका ब्लड टेस्ट मेथड आपका होता था जिसमें आपका जो रिपोर्ट आती थी 4 घंटे लग जाते थे. इट हैज टू बी नोटेड दैट डिटेक्शन ऑफ नियोनेटल ब्लड बिलीरुबिन, ठीक है, फास्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्शन डिपेंड करेगा कि थेरेपी होना है, किस तरह का इलाज होना है, एवरीथिंग, ठीक है. इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कर्नी एक्ट्रेस लीडिंग टू न्यू साइक्रेटरी प्रॉब्लम्स इन न्यूनेटल सब्जेक्ट्स. सो AJOMU ऑल्सो शो सेवरल एडवांटेजेस कंपेयर टू अदर सिमिलर इम्पोर्टेड डिवाइस इन मार्केट. तो सिंपल इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी गुड जो आपके न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके लिए मदद करेगा. आई होप ये दिख रहा हो. टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय योर नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है. सो ये AJOMU है, ये आपका कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, ये आपका AJOMU मेथड है. बिलीरुबिन होता क्या है उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है. तो बिलीरुबिन इज अ येलो कंपाउंड दैट ऑकर इन नॉर्मल कैटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन हेमी फ्रॉम हेमीग्लोबिन मायोग्लोबिन. आप बायो के स्टूडेंट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है. तो आप कह सकते हो एक हमारे ब्लड के अंदर एक कंपाउंड होता है, ठीक है, सिंपल एक कंपाउंड होता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपका न्यूरो लेवल पता लगाया जा सकता है कि अगर वो लेवल आपका हाई होता है, ठीक है. देखो जैसे अनकॉन्जुगेटेड आपका हाइपर बिलीरुबिन इज अ न्यू बॉर्न कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन इन सर्टेन ब्रेन रीजन्स. कई कई बार आपका ये जो बिलीरुबिन कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं आपका से कोगुलेट हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के या फिर ऐसे ही न्यूरो डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस हैं. तो जब तक इसका लेवल पता नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, तब तक कोई भी आगे साइकेट्री मेजर्स या न्यूरो मेजर्स जो भी थेरेपी मेजर्स जो भी लेना है वो नहीं पता लगाया जा सकता, ठीक है. इसकी वजह से पूरी तरह से ब्रेन डैमेज यहाँ पे हो सकता है, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल आपका डिफिशियंट सीजर्स, अबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, आपके आई मूवमेंट्स, राइट, ये सब हो सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल इंजरी इसको बोलते हैं आप क्या, कर्नियक्ट्रेस, जो हमने अभी पढ़ा था ना. कर्नियक्ट्रेस मतलब होता है सिंपल आपका न्यूरो डिफेक्ट्स, ठीक है. सो इसीलिए हमें बिलीरुबिन जो कंपाउंड है वो हमारे ब्लड के अंदर वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तभी हम वहीं पे असेस करके एक सोल्यूशन निकाल सकें. ओके, सो कोई दिक्कत इसमें. अब जो वो AJOMU डिवाइस है वो हेल्प करेगा 10 सेकेंड्स में डिलीवरी देने की आपकी रिपोर्ट को, राइट. सो दैट विल बी अ मेजर स्टेप ऑल्सो दैट ताकि आगे जाके कोई और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े बच्चे को.
ये पूरा आपका मेंशन है, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ आपका ये यहाँ पे दिस कैटाबॉलिज्म इज नेसेसरी प्रोसेस इन द बॉडीज क्लियरेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट अराइज फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ एजेड और अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। फर्स्ट द हीमोग्लोबिन गेट स्ट्रिप्ड ऑफ द हेमी मॉलिक्यूल विच देयर आफ्टर पासिस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। तो सिंपल आपका कंपाउंड है, इसको ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करेगा, इसका आपका कंपाउंड है आपका ब्लड के अंदर, ठीक है। इसके बीच में AGO और अदर सिमिलर डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस क्या है ये देख लेना, ठीक है। दैट इज इट, और कुछ भी हमें पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। किसका ये भी नहीं पूछा जाएगा इनफैक्ट कि किसने आपका ये लॉन्च किया है, कौन सा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट पूछा जा सकता है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये याद रखना, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इट। सो व्हाट इज इट, आपका नो टच एंड पेनलेस आपका ये डिवाइस रहेगा, इसको ध्यान रखना। नियोनेटल और फॉर न्यूबॉर्न्स, बिल्कुल सही है। हाँ, नियोनेटल मतलब आपके जो आपके जितने भी बेबीज हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, तो इन्फेंट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। न्यू मतलब क्या, नियो मतलब क्या होता है, न्यू, ठीक है। तो नया बेबी, सिंपल न्यूबॉर्न बेबी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके समाप्त हो गए हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी, एक तो सेशन को लाइक कर दें, और आपका जो इनर डिजिटल रिपोर्ट है आज ही अपना ये होमवर्क मेरी तरफ से एडिशनल ले लो। होमवर्क का क्वेश्चन तो मैं पोस्ट करूंगी ही, बट ये एडिशनल होमवर्क ले लो कि इंडिया डिजिटल रिपोर्ट, डिजिटल एजुकेशन रिपोर्ट जो 2020 है, उसको आप प्रिपेयर करोगे आज के आज में ही, ठीक है। अगर कल पे डालोगे तो ये कल पे ही रह जाएगी और नहीं आप कर पाओगे। आज पढ़ा है, थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर भी होगा, रिवाइज कर लेना और एक रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, बाकी बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज होती है, फोकस इस पर इसीलिए, बिकॉज ये अबाउट डिजिटल एजुकेशन है। मैम एक बार चेक कर लीजिए, आई सेंड यू समथिंग। ओके शुभा, मैंने अभी तक चलाया नहीं है, ठीक है, आपने मेरे को सुबह भी बोला था, बट हाँ मैंने अभी टेलीग्राम ओपन नहीं किया है। अभी जस्ट टाइम मिलेगा मुझे आफ्टर दिस क्लास, तभी आई पोस्ट द PDF लिंक्स एंड क्वेश्चंस आल्सो। चलिए, कोई टॉपिक आपके दिमाग में है तो आप मुझे बता दो, उस पर आज मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आज के टॉपिक पे फॉर्म करना काफ़ी जो है मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके हेल्थ केयर सिस्टम पे टॉपिक दे चुकी हूँ, उसमें कैसे चेंजेस लेके आ सकते हैं वो मैं आपको बोल चुकी हूँ, वो भी हम पढ़ चुके हैं। एनीवेज फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, और अभी आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन भी। चलिए, अपना ध्यान रखें, और कोई भी आपके पास सजेशन है ना कि इस पर वीडियो बना दो मैम, वो आप, मैंने आपका सजेशन सुन लिया, आंसर राइटिंग वाला और नोट्स वाला, वो मैं अपने आप, वो हो रहा है, प्रोसेस में है, अभी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ओनली, सॉरी अप्रैल क्या बोलूँ, अगस्त, अगस्त में ही जो आपका फर्स्ट वीक रहेगा उसमें आपका पब्लिश हो जाएगी। सो अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। यू वॉन्ट टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ एन अकेडमी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। टेलीग्राम है मेरा ऋतु शर्मा 1006, ठीक है, ऋतु शर्मा 1006, डिजिटल एजुकेशन पे, चलो ठीक है, डिजिटल एजुकेशन पे दे देंगे, ये भी सही है। अब आपके पास कंटेंट भी है लिखने को, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हो, अच्छी बात। थैंक्स फॉर द सजेशन एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई होप यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन अकेडमी। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, विल मीट टुमारो एट 8 AM इन द मॉर्निंग फॉर द ट्यूटोरियल सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग, सेंड मी ऑन द टेलीग्राम, एंड ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें।